मेरा नाम है दीपक कुमार। दोस्तों आप देख रहे हैं दीपक कुमार रहिज्जा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है उसको ग्रोथ कैसे करें, उसको सर्च रिजल्ट में पहले नंबर पर कैसे लेके आएं। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, अगर पूरी जानकारी चाहिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको यूट्यूब चैनल अपना पहले नंबर पर कैसे लेके आना है, ताकि आप जब भी कोई आपका चैनल सर्च करे यूट्यूब पर, नया यूट्यूबर आपका नाम डाल के चैनल का सर्च में करे तो आपका चैनल पहले नंबर पे आए दोस्तों। ओके दोस्तों, एक और बात, आप मेरे ये न्यू यू चैनल है दोस्तों, मैंने ये सेकंड यूट्यूब चैनल है मैंने न्यू बनाया दोस्तों, प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करना दोस्तों, 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं वीडियो में आपको 3 स्टेप बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आपको न्यू यूट्यूब चैनल पर 3 वीडियो डालनी है दोस्तों। अगर आप अपने चैनल को पहले नंबर पे सर्च में लाना चाहते हो, आपको 3 वीडियो डालनी है दोस्तों, कम से कम 3 वीडियो दोस्तों। 3 वीडियो में आप सबसे पहले वीडियो पे आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टैग, इस पर आपको अपना अपने टैग में भी आपको अपना नाम लिखना है दोस्तों। जैसे आपने जो भी अपना यूट्यूब चैनल का नेम लिखा है आपको उसमें टैग में लिखना है। जैसे मेरा नाम है दीपक कुमार रहेजा दोस्तों, मैंने अपने चैनल में टैग में दीपक लिखना है, दीपक कुमार रहेजा लिखना है, रहेजा लिखना है, दीपक अकेला दीपक लिखना है, ऐसे लिखना है आपको टैग में। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यही लिखना है, अदर एड टैग भी लगाने और अपने नाम वाला टैग भी लगाना है आपको, जिससे कि आपका चैनल रैंक में आएगा दोस्तों। दोस्तों आपको तीसरी सेटिंग है, ये है तीसरी सेटिंग, मैं आपको क्रोम ब्राउज़र पे बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है और डेस्कटॉप खोल लेना दोस्तों। डेस्कटॉप खोल के आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग पे जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाके आपको मैं बताऊंगा यहाँ से आपको न्यू यूट्यूब चैनल का कीवर्ड कैसे डालने हैं दोस्तों। यहाँ से आपको चैनल पे जाना है, ये देखिए सुन दो, चैनल पे आ गए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है कीवर्ड दोस्तों, यहाँ से आप 500 तक कीवर्ड लिख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दीपक कुमार रहेजा टेक्निकल योर चैनल दोस्तों, यहाँ से आपको अपने चैनल के रिलेटेड कीवर्ड डालने हैं। जैसे कि मैंने दीपक कुमार रहेजा लिखा, मैं वो भी और लिख देता हूँ दोस्तों आपके सामने। ये देखिए कितने कीवर्ड डाल रखे हैं मैंने, यहाँ से दीपक लिख दिया दोस्तों, दीपक कुमार लिख दिया दोस्तों। ऐसे आपको टैग डालनी है, जैसे मेरा दीपक है, दीपक कुमार रहेजा रहेजा दोस्तों, ऐसे कीवर्ड डालने। अगर कोई भी न्यू यूट्यूबर आपके चैनल पे आपके चैनल को सर्च करेगा दीपक कुमार रहेजा या दीपक से, तो आपका चैनल सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा और आपके चैनल को वो लाइक सब्सक्राइब कर सकता है और आपकी वीडियो को भी देख सकता है दोस्तों। ऐसे आपको यहाँ से कीवर्ड डालने हैं दोस्तों। बिना कीवर्ड, अगर आप अपने चैनल पे कीवर्ड नहीं डालोगे दोस्तों, तो आपका चैनल रैंक में नहीं आएगा। कोई भी आप किसी भी अपने फ्रेंड को कहोगे, हाँ भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर आपने कीवर्ड नहीं डाले होंगे वो आपका चैनल सर्च करता रह जाएगा दोस्तों, आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सेव कर देना है। आपको बस उस पर अपना चैनल का कीवर्ड डालने और आपका चैनल किस रिलेटेड है, टेक्निकल है तो आप टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल न्यूज़, टेक्निकल के टैग लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको, उसके बाद एक और सेटिंग बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये भी आपको कर लेनी है क्योंकि ये ज़रूरी सेटिंग है दोस्तों। यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाके दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पहली सेटिंग तो दोस्तों आप जानते हैं, जैसे किड्स के लिए, आपके किड्स के लिए वीडियो तो नहीं बना रहे दोस्तों, आपको ये दूसरी सेटिंग कर लेनी है दोस्तों, नो किड्स। उसके बाद दोस्तों एक और सेटिंग है दोस्तों, यहाँ से सब्सक्राइबर काउंट है दोस्तों, अगर आप न्यू यूट्यूबर हो आपको पता होना चाहिए। यहाँ डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल दोस्तों, आपको ये टिक होता है ऑलरेडी, आपको इसको अनटिक कर देना है दोस्तों। इससे ये होगा कि अगर कोई भी न्यू यूट्यूबर आपके चैनल पे आएगा,
अगर आपने ये टिक नहीं टिक कर रखा है तो आपको वो देखेगा, इस यूट्यूबर के चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है इसीलिए आपका बुरा असर पड़ेगा उस पर, वो आपकी वीडियो नहीं देखेगा, इसीलिए आपको इसको अनटिक कर देना है दोस्तों। मैंने भी अनटिक कर रखा है, इससे आपके सब्सक्राइबर हैं वो दिखेंगे नहीं दोस्तों। जब आपके सब्सक्राइबर 5,000 10,000 हो जाए तो आप ये दिखा सकते हैं, ओके दोस्तों। उसके बाद आप दोस्तों ये तो ज़रूरी नहीं है सेटिंग, उसके बाद आप यहाँ से दोस्तों यहाँ से टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखना तो नहीं भी लिख, अगर लिखोगे दोस्तों आपको बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आपको सीधी वीडियो में टैग टू डाल के वीडियो डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों ये एडवांस सेटिंग आ जाती है, इसमें दोस्तों आपको बस कैटेगरी लिखनी है, आपका चैनल टेक्निकल रिलेटेड है तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी लिख देनी है, ये नाउन रहने देना है, और यहाँ से कमेंट में आपको होल्ड अपॉर्चुनिटी ये लिखना है। उसके बाद दोस्तों ये परमिशन का ऑप्शन आ गए, यहाँ से आपको कोई सेटिंग नहीं करनी दोस्तों, या कमेंट कम्युनिटी है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से भी कोई भी नहीं अभी दोस्तों, इतनी सेटिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, सपोर्ट करना अपने भाई को दोस्तों, 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है दोस्तों, प्लीज़ हेल्प करना। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही दोस्तों।